देखिए अब हम उसको एक एग्जांपल दे से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है एट द एडल्ट डोज 60 एमजी। क्या दिया हुआ है? एडल्ट डोज हमारी कितनी दी हुई है 60 एमजी एंड द एज ऑफ चाइल्ड 6 ईयर। चाइल्ड एज कितनी दी हुई है? बच्चे की जो एज दी हुई है वो दी हुई है 6 ईयर। कितनी? 6 ईयर। अब इसमें पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द डोज फॉर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए क्या डोज दी जाए, 6 साल के बच्चे के लिए क्या डोज दी जाए कि उसकी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिले। तो हम रिलेंस के ड्रिंक्स फॉर्मूले के थ्रू हम देखते हैं। उसने बोला हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है एज इन ईयर। क्या दिया है? एज इन ईयर अपॉन 20 इनटू एडल्ट डोज। अब जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, एज इन ईयर दिया हुआ है। एज इन ईयर कितना दिया हुआ है? 6 ईयर। तो कितना रखेंगे हम एज इन ईयर में? 6 अपॉन कितना दिया हुआ है? 20 इनटू एडल्ट डोज हमारा कितना दिया हुआ है? 60 एमजी। कितना दिया हुआ है? 60 एमजी। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, कितना बचा? 80। 6 3 जा 80। अब किसमें देते हैं बच्चे को? एमजी में। तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि चाइल्ड के लिए 6 साल के बच्चे के लिए अगर एडल्ट डोज दी है 60 एमजी। एडल्ट डोज जैसे कि हम लोग, जैसे हमारी 15 साल से ऊपर के जो 15 और 18 साल से ऊपर के जो होते हैं वो सब एडल्ट डोज में एडल्ट में आ जाते हैं। एडल्ट को हमें एडल्ट्स को 60 एमजी ड्रग की रिक्वायर्ड रहेगी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने के लिए। अगर अब इस फॉर्मूले की तुम निकालिए कि कितना कितनी क्वांटिटी हमें बच्चे को देनी है कि उसका जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो देखने को मिले। तो अब एडल्ट को जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए 60 एमजी रिक्वायर्ड है, लेकिन अब हमें बच्चे के लिए देनी है तो 6 ईयर के बच्चे के लिए कितनी हम डोजेस कैलकुलेशन फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूले में रखने के बाद हमने एज इन ईयर दिया था अपना कितना 6 ईयर। एडल्ट डोज हमारी दी है 60 एमजी, तो 6 एज इन ईयर की जगह 6 रख दिया, 60 अपनी एडल्ट डोज दी है और अपन में 20 दिया हुआ है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 18 एमजी। द 18 एमजी डोज इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द डोजेस फॉर फोर 18 मंथ चाइल्ड। इसमें बात किसकी की जा रही है? 18 मंथ चाइल्ड। मंथ में अगर बच्चे की उम्र दी हुई है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड, जबकि एडल्ट डोज कितनी दी हुई है? 30 एमजी। कितनी दी हुई है? 30 एमजी। तो अब मंथ में अगर कोई भी बच्चे की उम्र दी हुई है तो उसको किस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे? उसको हम फ्राइड रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे फ्राइड रूल क्या है? चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज इन मंथ, एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज इस फॉर्मूले के थ्रू, फ्राइड रूल्स के थ्रू हम चाइल्ड की डोजेस फॉर्म को निकाल सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र मंथ में दी हुई है तो हम उसको फ्राइड रूल्स के थ्रू हम उसकी चाइल्ड डोज निकाल सकते हैं। अब देखो चाइल्ड डोज हमें निकालनी है, क्या करनी है? चाइल्ड डोज हमें निकालनी है। अब एज इन मंथ फॉर्मूला देखो, एज इन मंथ दिया हुआ है, कितना मंथ दिया हुआ है? 80। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 80 150 हो जाएगा अब एडल्ट डोज हमारी कितनी दी हुई है? 30 एमजी। कितनी दी हुई है? 30 एमजी।
तो हम उसको 30 लिख देंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, अब 5 से हम इसको काट देंगे, ठीक है। याद देखो 3.6 mg जो ड्रग है, हमारी 18 मंथ चाइल्ड को हमें 3.6 mg डोज जो है रिक्वायर्ड होगी उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखने के लिए। तो इस प्रकार से हम अगर बच्ची की उम्र मंथ में भी दी हुई है तब भी हम उसके डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको हम प्राइड डोज के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसकी डोज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं।